रिटायरमेंट की सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे बुक के हिसाब से 34th क्वेश्चन है. आप अपनी बुक में चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन है, 34th है. सो देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ ले. अगेन जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को समझो और उसकी एक आउटलाइन अपने दिमाग में बैठा लो. अगर आप नहीं दिमाग में बैठा सकते हो तो नोट कर लो साइड में. सो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है. वेरी गुड, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है. ठीक है दीदी, आगे बताइए. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 का दिया, ये तो दीदी दिया हुआ है. आगे बताइए. देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018. इसमें बेटा आपका ईयर भी चेंज हो सकता है तो उसमें ज्यादा मतलब ईयर का चेंजेस कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट समझो. आप लाइबिलिटीज आपको दी हुई है, एसेट्स आपको दिए हुए, ठीक है. पेन ही गायब हो गया. लाइबिलिटीज आपको गिवन है और आपको एसेट्स गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट गिवन है. तो मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. पहले आप एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 70,000 एंड वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स. ठीक है, अगर बुक्स में अपीयर नहीं हो रही है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. एंट्री क्या हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. कल किया था हमने वाला काम. बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ. तो बैड डेट्स जो है 2,000 रुपीज के, इसको राइट ऑफ करना है. तो हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया कि डेटर पे एडजस्टमेंट है. पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस. पेटेंट्स को कंसिडर करना है वैल्यूलेस, यानी कि पेटेंट्स को हमको क्या कर देना है, पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देना है, हटा ही देना है. वैल्यूलेस का मतलब पूरा हटा दो. इतना सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की मदद से हमको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मैं आपको क्वेश्चन, जब आपको मैंने एडमिशन करवाया था तब भी मैंने बोला था कि आप वन फ्लो में काम करो, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लो. ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लो. ऐसा नहीं कि पहले आप रीवैल्यूएशन बना रहे हो, उसको पूरा खत्म कर रहे हो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, बड़ी देर हो जाएगी. सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. मैं दूसरी स्क्रीन पे अपना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेती हूँ और बैलेंस शीट भी यहीं बना लेती हूँ. साथ साथ में करते जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी. तीन पार्टनर है तो पर्टिकुलर्स के लिए मेरे थोड़ी स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा एडजस्ट करके काम कर रही हूँ. और यहाँ पे हम कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि हम इधर बनाएंगे बैलेंस शीट. अगेन आई एम रिमाइंडिंग, पेंसिल स्केल की मदद से ही काम किया करो. जब भी आपने बैलेंस शीट बनानी है या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इनर कॉलम जरूर बनाएंगे ताकि एडजस्टमेंट आप इनर कॉलम में शो कर सके. रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम इनर कॉलम बना लेते हैं. ठीक है दीदी, इनर कॉलम भी बना लिया. ठीक है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से शुरुआत करेंगे. स्टार्टिंग से हम करेंगे क्रेडिटर्स, क्या कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है तो क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड पे एज इट इज लिख देंगे. अच्छा यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपकी सुख सुविधा के लिए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन, पूरा प्रॉपर मेंशन करना. ठीक है, सो पार्टनर्स कितने हैं, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं. ठीक है दीदी, एक्स वाई जेड तीन हमारे पार्टनर हैं. चलो फाइन, एक्स वाई जेड वो पार्टनर शेयरिंग. ठीक है, क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 49,000 एज इट इज बैलेंस शीट में जाएगा. तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखेंगे. स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि दीदी वहाँ कैपिटल अकाउंट लिखना होता है. तो क्रेडिटर्स को हमने लिख दिया 49,000. वेल एंड गुड, अच्छी बात है. इसके बाद क्या बोला गया, रिजर्व. रिजर्व में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. और दीदी आपने हमें बताया था कि जब भी कोई रिजर्व हमको दिया होता है तो क्या करना होता है, जल्दी बताएंगे क्या करना होता है. पार्टनर्स में बांट देते हैं. वेरी गुड, पार्टनर्स में हम बांट देंगे. और बेटा किस रेशियो में बांटेंगे पहले तो वो बताओ. ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. किधर बांटेंगे, डेबिट या क्रेडिट. क्रेडिट. क्रेडिट साइड में बांटेंगे. ठीक है, तो रिजर्व बांटने से पहले, क्योंकि मेरे को सबसे पहले ब्रॉड डाउन लिखना होता है, तो मैं एक काम करती हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ लिख लेती हूँ. ठीक है, बाद में लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं बाय रिजर्व. तो रिजर्व को हम बांटते हैं, जो रिजर्व की आपको अमाउंट दिया हुआ है दैट इज गिवन 18,500. यही मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ रिजर्व का. 18,500 को 18,500 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 18,500. इसको हम डिवाइड करेंगे 2:2:1. जब हम इसको 2:2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 7,400 एंड 3,700. लिख देते हैं इसको. सो हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गए और यहाँ पे हमने लिखा
7400 7400 and 3700। ठीक है, चलो तो हमने क्रेडिटर्स भी कर लिया, हमने रिजर्व भी कर लिया। अब कैपिटल अकाउंट जो है तीनों के लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट जो दिए हुए तीनों के मेंशन करते हैं। तो विल मेंशन 82,000, एक्स का दिया है 60,000, वाई का दिया है एंड 75,500 जेड का दिया हुआ है। ओके, तो ये भी हो गया, तो हमने कैपिटल वाला भी काम अपना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या कैश दिया है, कैश में क्या कोई एडजस्टमेंट है, क्या आपको कोई कैश में एडजस्टमेंट दिख रहा है बेटा? एक मिनट, वापस कोई एडजस्टमेंट कैश में दिख रहा है? नहीं, जल्दी बोलो, नहीं दिख रहा। तो क्योंकि हमें कोई एडजस्टमेंट कैश में नहीं दिख रहा, हम यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, कैश को मेंशन कर देंगे। हमने बैलेंस शीट में कैश लिखा 8000 का। एडमिशन के टाइम पे कैश में एडजस्टमेंट क्या होता है, वो कैपिटल भी लेके आता है, वो गुडविल भी लेके आता है, तो दोनों चीज हम ऐड करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अनटिल अनलेस आपको ना दिया हो कि आपने उसको कैश में पेमेंट करी है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम सीधे उसके लोन अकाउंट में डालेंगे, जो भी होगा, कैश में कुछ काम ही नहीं करेंगे, कैश कर दिया। नेक्स्ट आता है डेटर, डेटर में एडजस्टमेंट है तो हम लिखते हैं 19,000 के डेटर एडजस्टमेंट क्या बोला है, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ यानी कि हटा दो बैड डेट्स को। अब यहाँ पे हम करते हैं डेटर, डेटर का 19,000 दिया हुआ है और इसमें से हमको माइनस करना है बैड डेट्स राइट ऑफ। अब पूरा लिखना बेटा, मेरे पे स्पेस की कमी है। बैड डेट्स राइट ऑफ 2000 के और यहाँ पे आउटर कॉलम में 17,000 आ गया। और जैसे ही हमने बैलेंस शीट पे एडजस्टमेंट किया, हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि ये एडजस्टमेंट तो कहाँ ना जाना चाहिए, बताएंगे बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सी साइड पे, एसेट डिक्रीज, डेबिट साइड, वेरी गुड, डेबिट साइड पे जाना चाहिए, गुड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट और अमाउंट डाल देंगे 2000 का। यहाँ डाल दिया, इसके बाद स्टॉक दिया है, क्योंकि स्टॉक में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो स्टॉक को हम एज इट इज लिखते हैं 42,000। यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक 42,000, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्डिंग को एज इट इज लिख देते हैं, बिल्डिंग 2,07,000, ठीक है। और लास्ट हमको जो वैल्यू दी है वो दी हुई है पेटेंट की, पेटेंट को बोला है कि हमको वैल्यू लेस करना है। तो कई जगह पे आपको मेंशन होगा कि मेंशन नहीं किया हुआ है पेटेंट्स, कई जगह पे किया हुआ है, बट मैं आपको सिखाऊंगी कि जो चीज दी है वो आपको लिखनी है, जो चीज दी है वो आपको लिखनी है। इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले आप मेंशन करो यहाँ पे पेटेंट्स, ध्यान से, पेटेंट्स कितने के दिए हैं, पेटेंट्स, पेटेंट्स आर गिवन फॉर 9,000। फिर आपने यहाँ पे माइनस करना है वैल्यूलेस, लिख दो यहाँ पे आपको अगर लिखना है तो वैल्यूलेस। वैसे आपको पता है कि अगर कोई भी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिसिएशन इज यूज फॉर फिजिकल एसेट्स, फिक्स एसेट, इनटेंजिबल एसेट के लिए क्या यूज करते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, हाँ, अमोर्टाइजेशन, वेरी गुड बच्चे, अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यूलेस की जगह आप अमोर्टाइजेशन लिख दो यहाँ पे, अमोर्टाइजेशन, गुड। 9,000 का अमोर्टाइजेशन किया और वैल्यू यहाँ पे नील आ गई या फिर जीरो, जो भी मेंशन करना है। और सेम चीज हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देनी है, क्या करेंगे हम यहाँ पे डाल देंगे, सेकंड, यस आई विल राइट हियर टू पेटेंट्स 9,000, ठीक है। तो हमारा ये पेटेंट्स वाला भी काम जो है वो पूरा हो गया है, तो हमने ये पूरा कर दिया। अब एक बार हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, देखते हैं कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं क्या, और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट छूटा हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000। तो फर्म की गुडविल दी हुई है, हमको क्या करना है, रिटायरमेंट वाला गुडविल का एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट करना है। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हम डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के टाइम पे पहले हम लिखेंगे फॉर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, फॉर्म की गुडविल दी हुई है 70,000। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल निकालेंगे अब, सो रिटायरिंग पार्टनर वाई शेयर इन गुडविल,
वाई शेयर इन गुडविल विल बी 70,000, वाई का शेयर कितना है 2/5, ये आ जाएगा आपका 28,000, ठीक है। अब क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा नहीं दिया हुआ है, तो आप मेरे को जल्दी से बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो क्या जाएगा एक्स और जेड के बीच में, बताओ। वेरी गुड, 2:1 होगा वो, मैंने यहाँ से क्या है एक्स चला जाएगा, एक्स जब चला जाएगा जो बचा हुआ रेशियो है वही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट देने के लिए आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो आप न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, न्यू रेशियो पहले हम एक्स का निकालते हैं फिर हम जेड का निकालेंगे, तो एक्स का न्यू रेशियो विल बी 2/3 एंड जेड का न्यू रेशियो विल बी 1/3, ओल्ड की बात करेंगे 2/5, 1/5, एलसीएम 15 का आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम आपका 15 का आ जाएगा और ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 10 - 6 और ये हो जाएगा 5 - 3, अपॉन 15, तो दिस विल कम आउट टू बी 4/15 एंड दिस विल कम आउट टू बी 2/15, सो आई विल राइट इट एज 4:2 व्हिच इज अगेन 2:1, तो गेनिंग रेशियो इज योर 2:1, तो 28,000 को 2:1 में डिवाइड करते हैं, चलो इसको भी हम कर लेते हैं, सो इफ 28,000 इज डिवाइडेड इनटू 2:1, एक्स का और वाई का निकालेंगे, 28,000 इनटू 2/3 एंड 28,000 इनटू 1/3, ये आ जाएगा 18,667, पॉइंट में आएगा, एडजस्ट कर लेना 9,333, ठीक है। अब मेरे को वंशिता बताओ कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा गुडविल की। यस, दी एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट टू सॉरी कैपिटल अकाउंट जेड कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। भावना अमाउंट बताओगे बेटा? यस भावना, अमाउंट एक्स की जगह क्या पुट करें? कर रहे हो 14 14 14 14 14, कैसे होगा बेटा? यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस वन, यहाँ लिखा हुआ है मैंने एक्स और वाई को 28,000 को 1:1 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग रेशियो इज 2:1, ठीक है। सो यहाँ पे हाँ 18,667 इधर आ जाएगा, 9,333 इधर आ जाएगा एंड टोटल जो है वो इधर पे 28,000। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री बनेगी तो ऐसे बनेगी। अब इसको किस तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करोगे, ये ध्यान देना, ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान देना। पहले तो टू में क्या लिखा हुआ है, टू में हमारा वाई कैपिटल अकाउंट लिखा है, वेरी गुड। तो दीदी एक काम करो, आप पहले टू में वाई कैपिटल अकाउंट लिख दो, उसके बाद आगे की सोचना, ठीक है। हम आपने जो बोला हम वही करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा टू वाई कैपिटल अकाउंट क्योंकि टू में वो लिखा था, ठीक है। अमाउंट किस में डालेंगे, तो बेटा वाई किसके टू में है, वाई जो है वो एक्स और जेड के टू में, एक्स और जेड के क्रेडिट में है, तो अमाउंट लिखोगे नाम आप वाई का, लेकिन अमाउंट किस में डालोगे, अमाउंट आप डालोगे एक्स और जेड में। विल राइट इट हियर 18,667 डैश कर दोगे यहाँ पे और यहाँ लिखोगे 9,333। ये तो आपने क्या किया, टू वाला लिख दिया। अब बाय साइड पे क्या करोगे, बाय साइड में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका नाम लिखोगे, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट, नाम एक्स और जेड का, अमाउंट जाएगा किसमें, अमाउंट जाएगा वाई में, तो ये हो जाएगा 18,667 9,333। ये जो येलो से मैंने किया हुआ है, ये एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से याद रखना, ये केवल जो हमने जर्नल एंट्री लिखी थी उसको मैंने लेजर में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया है। गॉट इट, ये समझ आया? पहले बताओ सब लोग, स्नेहा समझ आया, वंशिता आपको आ गया, भावना आपको, सृष्टि हां बोलो बेटा,
दिए जो आपने येलो से मार्क किया उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, येलो ये मार्क किया मतलब ये जो मैंने पूरा येलो से लिखा है। हाँ दी यही बात है। हाँ देखो बेटा सृष्टि, हमने जो जर्नल एंट्री लिखी थी वो यहाँ पे देखो, वो ये लिखी थी। अब इस जर्नल एंट्री को जब मैं पोस्ट कर रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसकी पोस्टिंग किस तरीके से हो रही है वो देखो। टू में आपका क्या क्रेडिट में कौन सा लिखा हुआ है? Y कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो आपने लिखा टू Y कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किस में जाएगा? अमाउंट जाएगा X और Z में, क्योंकि ऊपर डेटर साइड पे कौन है? X और Z है। उसके बाद जो बाय साइड में आपको लिखना है, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखना है, वो आपको X कैपिटल अकाउंट और Z कैपिटल अकाउंट लिखना है। अमाउंट किस में डालोगे? Y में डालोगे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीज समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आ रही है तो याद रखो जिसका नाम है उसका पैसा नहीं होगा। यहाँ पे Y का नाम था, पैसा गया X और Z में। यहाँ पे X और Z का नाम था, पैसा गया Y में। तो जिसका नाम है उसका पैसा नहीं होगा, इस तरीके से याद रखो। और अगर कॉन्सेप्चुअली आपको चीज समझ आ रही है, यानी कि जर्नल एंट्री को किस तरीके से हमने पोस्ट किया है वो समझ आ रहा है, तो फिर तो आप राजा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। समझ आया सृष्टि? अब आ गया, चलो ठीक है। यानी कि मेरी सारी जो एक बार और मैं क्वेश्चन में मूव कर जाती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन पे मूव करके और दीदी एक बार चेक कर लो कि सारा किया है कि नहीं किया है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट दे दिया, बैड डेट्स हमने माइनस कर दिया था, पे डेट्स भी कर दिया था और बाकी चीजों पर ऑलरेडी ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। अब हमारा क्या काम है? सबसे पहला काम है कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को लॉस दिखाई दे रहा है, तो आई राइट इट हेयर लॉस ट्रांसफर। ठीक है, लॉस तो है वो तीनों में ट्रांसफर होगा, तो X, Y एंड Z कितना लॉस है? टोटल लॉस ही हो रहा है 11,000 का लॉस है। सो 11,000 को 2:2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4400 एंड 2200, टोटल आ गया 11,000। ठीक है, अब इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ दीदी? ट्रांसफर करेंगे, बताओ बेटा ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड पे होगा? डेबिट या क्रेडिट? बेटर या क्रेडिट? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वहां से हम लेके आ रहे हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 4400 क्या होगा कि सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करो। तो आपने क्या करना है? रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करना है, और जो भी इसका बैलेंस आएगा, बताओ कैरिड डाउन में लिखूं, कहां लिखना चाहिए रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, जल्दी बताओ। यस, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कहाँ लिखना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बताओ। लोन अकाउंट में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं इसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप, मैं पूरा लिख देती हूँ, मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है। टू वाइज लोन अकाउंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो हम निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, जरा लाइनें सीधी करनी पड़ेंगी। देखो क्या आता है, तो इसका टोटल इधर का, इस साइड का टोटल आ जाएगा 95,400, इधर का भी 95,400, उसमें से 4,400 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 91,000। ये किसका हो गया? वाई का लोन अकाउंट हो गया। और बाकी दोनों का जो हम करने वाले हैं क्लोज, वो कैरी डाउन पे करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, दोनों का क्लोजिंग कर देती हूँ मैं। 89,400 यहाँ का, इधर पे भी करेंगे 89,400, ठीक है। फिर उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 66,333। यहाँ जेड का क्लोज कर देते हैं, तो 79,200 जेड का आएगा, इधर पे भी आप 79,200, और दिस विल कम आउट टू बी 67,667। अब ये तीन अमाउंट को हमको क्या करना है? अपनी बैलेंस शीट में डालना है। कौन कौन से दीदी तीन अमाउंट? एक ये लोन,
और ये कैपिटल दोनों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट हम लिख देते हैं किसका, एक्स और जेड का। एक्स का 6633 एंड 67667, दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 1,34,000। ओके, क्या गया 1,34,000। क्या बचा, अब बचा हमारे पास वाई का लोन अकाउंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं वाई इज लोन अकाउंट, वाई का लोन अकाउंट जो 91,000 रुपीज का। अब हम ट्राई करते हैं इसको बैलेंस करने की, और जब बैलेंस हो जाएगा और जो खुशी हमको मिलेगी वो हमारी आउट ऑफ द वर्ल्ड खुशी होगी। जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो बेटा 2,14,000 से ये बैलेंस भी हो जा रहा है, तो 2,74,000 से बैलेंस होगा। तो जल्दीबाजी के चक्कर में देखो लाइन ही हमारी गायब होगी, कहाँ चली गई लाइन ना, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,74,000 का यहाँ पे एंड 2,74,000 का। तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई और टैली होने की वजह से हमको ये है खुशी मिल गई। ओके चलो,